हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? एक सेकेंड होल्ड करना बेटा, इसके लिए चैट डिसेबल्ड है, मैं देख लेता हूं, शायद कुछ पीछे इन्होंने स्ट्रीम में कुछ गड़बड़ कर दी है। आप लोग एक सेकेंड होल्ड करना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग। जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम जस्ट चेकिंग। शायद टीम ने लेक्चर को शेड्यूल करते टाइम जो चैट का ऑप्शन है वो उन्होंने बंद कर दिया होगा। बस मुझे एक मिनट का समय दो, अभी दो मिनट में ठीक हो जाएगा, है ना? एक मिनट का समय दो आप मुझे, ठीक है? गिव मी अ सेकेंड, आई एम जस्ट चेकिंग दिस। ठीक है, जाना कहीं नहीं है। अब आई थिंक आप लोग, अभी आई थिंक आप लोग चैट कर पा रहे होंगे। ठीक है, एक बार ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए बेटा। अभी आई थिंक आप लोग चैट कर पा रहे होंगे। गिव मी अ सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक। ठीक है, एक बार ट्राई करिए। हाँ अभी ठीक है, अभी आ गया। ट्राई करिए बेटा अभी। कौन कौन आया मेरे साथ लेक्चर में, प्लीज एक बार बता दो कौन कौन आया। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था चैट को या स्ट्रीम को लाइव करने में, है ना? ओके, जस्ट अ सेकेंड, रिफ्रेश हो रहा है। एक सेकेंड का समय देना आप लोग मुझे। देख लेते हैं कौन कौन बच्चे हमारे साथ आए हैं, ठीक है ना बेटा? ओके, राहुल, प्रिया, गुड इवनिंग बेटा। अरुण, कौन कौन आए सब बताओ एक बार। मृणाल, सौरभ सिंह, अरुण कुमार, शिवानी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके चले, सो बच्चा पार्टी, अभी हम लोग जो है ना लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। अभी हेलो रोहित, बहुत सारे बच्चों को बेटा ये नहीं पता कि आज हम क्या करेंगे। वैसे आप लोगों ने थंबनेल्स तो देख ही लिया होगा, आज हम लोगों का एटम्स का लेक्चर है। एटम्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट है बेटा आज हम लोगों का। आप लोग फटाफट लेक्चर को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना बेटा? पहला लेक्चर है यार, बुला लो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को। सर ढूल नेचर की नोट्स नहीं मिली यार, मैं देख लेता हूं, पूछ लूंगा, अभी बता दूंगा। आप लोग जब तक जो है ना आप इस पे फोकस करो, डुअल नेचर के नोट्स तो बाद में, है ना, है ना, डलवा दूंगा जब तक इस पे फोकस करो बेटा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन फीचर, जिसमें आप देख पा रहे हो, जिसमें आप देख पा रहे हो बेटा, ठीक है, टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया विल बी टीचिंग ऑन दिस वन प्लेटफॉर्म, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस। यहां पर बच्चे डेली प्रैक्टिस सेक्शन, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज, लाइव क्विज और सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी है। साथ ही साथ सुनना मेरी बात, अगर आप लोगों को एक पर्सनल ट्यूटर या पर्सनल मेंटर की रिक्वायरमेंट है, जहां पे मेरी तरफ से आपको पर्सनली मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ प्लस, जिसमें आपको लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट, स्टडी प्लानर, पेरेंट कनेक्ट और प्लस के सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे होंगे बेटा, ठीक है। ये मेरा एक बैच चलता है 5 से 6 का, एक बैच सुबह 8 से 10 का, और सबसे बड़ी बात यहां के जस्ट बाद हम लोग स्पेशल में मिल रहे होते हैं 11:15 से 12:30।
जहां हम एनसीईआरटी को डिकोड कर रहे होते हैं, आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डे थ्री है। ये कहां पर होता है बेटा? ये आपका स्पेशल क्लास पर होता है। आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट, और आपको वहां पर एक कोड मांगेगा उसको अनलॉक करने के लिए क्लास को। क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इफ दे आर आस्किंग फॉर द कोड सो यू विल हैव टू पुट दिस कोड VK24 Live, ठीक है ना, VK24 Live। ओके, अब देखो अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है बेटा तो आपके लिए 1 महीना 3 महीना 6 महीना 12 महीना, अब ये सब तो ऑप्शंस आपके लिए बच नहीं रहे हैं, सो यू कैन गो फॉर 3 मंथ सब्सक्रिप्शन। यार 5850 में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, और वीके 24 लाइव यूज करो 10% ऑफ हो गया, ठीक है ना बेटा। चले आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहां से हटते हैं और आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। बेटा हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा सेशन है, मैं जरा इसको थोड़ा सा डिजाइन को चेंज कर देता हूं, इसको ब्लैक कर देता हूं प्योर, तो ज्यादा बढ़िया होता है, ठीक है। हाँ बेटा, आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 12 फिजिक्स का एटम्स के ऊपर। सो हाउ इज द जोश स्टूडेंट्स टू स्टार्ट दिस चैप्टर, कैसा है आप लोगों का जोश बताइए बेटा, बताइए कैसा है आप लोगों का जोश। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। फुल सिलेबस कब तक खत्म होगा भाई? फरवरी में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, फरवरी में बहुत कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, है ना। हेलो आदित्य शर्मा, कौन कौन है यहां पर और लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो सो एटम्स का ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा, है ना। और सबसे पहले पहले जैसे ये एटम्स हैं, अब ये जो एटम की आप बात कर रहे हो कैसा क्या है, ठीक है, ये सब आप यहां पर देखो एक बार। सबसे पहले पहले हमारे पास थॉमसन का मॉडल आया था, ठीक है ना, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अगर आप देखते हो तो इन्होंने क्या बोला, ये पूरी थ्योरी आपके सामने है। इन्होंने ये चीज बोला कि एटम जो है ना एक स्फेयर है, एक स्फेयर है पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर का, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर का स्फेयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, जैसे जैसे तरबूज के अंदर बीज, वो जो रेड कलर है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर, और वो जो ब्लैक कलर है दैट इज हमारा इलेक्ट्रॉन्स, राइट बच्चा जी, ठीक है ना। तो ये हमें उसने कहा था, इसको उसने सीड्स इन अ वाटरमेलन और प्लम इन अ पुडिंग, प्लम इन अ पुडिंग जैसे खीर में आपका किशमिश होता है, ठीक है ना, ये चीज। तो ये उसने आपको एटम दिया था, ये आपके सामने है प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। ये आपका पॉजिटिव चार्ज कॉन्टिन्यूअस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। उसने एक बात कही थी बेटा कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या कहा था उसने? उसने कहा था एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बेटा एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट बच्चा जी, ठीक है। अगर आप यहां से आगे देखोगे बेटा तो आप आगे देखो फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल। ये जो थॉमसन का मॉडल है ये फेल कैसे हुआ? आप आगे जाके मेरे पास स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ते हो, आगे जाके आप मेरे पास स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ोगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन और अदर एटम्स के केस में वो स्पेक्ट्रल सीरीज का जो ओरिजिन है ना ये बता नहीं पाया था। समझ में आया कि नहीं आया? ये आगे जाके जो मतलब पहले रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ये उसके बारे में भी नहीं बता पाया था, उसके बताने में भी ये फेल हो गया था बेटा। कौन? थॉमसन का मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन फेल्स इन दीज टू थिंग्स, ये आप देख लो एक बार, ठीक है ना बेटा, समझ में आया। और इसके बाद अगर आप देखते हो बेटा तो ये है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
भाई इसके दो स्टूडेंट्स थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और करते करते वो कुछ नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे थे। दो स्टूडेंट्स कौन थे? गीगर और मार्डन। ठीक है, एस साइलेंट होता है, मार्डन बोलते हैं, गीगर और मार्डन। ठीक है, तो या जीजर बोलो कुछ भी यार, देखो वो तो प्रोनंसिएशन है। ठीक है, तो वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने रदरफोर्ड साहब से पूछा सर ये ऐसा है, इन्होंने दिया कंक्लूजन। पर क्योंकि कंक्लूजन इन्होंने दिया था और इनके चेले थे, तो इन्होंने उस मॉडल को अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बना दिया, अपने नाम का बना दिया उसने। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अपने नाम का बना दिया। सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को। आप देखोगे अगर, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हुआ कैसे बेटा? आप यहां देखो, इधर आपका अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स है, जो कैसा सोर्स है? रेडियो एक्टिव सोर्स। वी आर हैविंग हियर रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अब वहां से अगर आप देख रहे हो तो रेडिएशन ऐसे एमिट हो रही है। ठीक है, ये क्या है? लेड ब्लॉक के अंदर है। समझ में आया कि नहीं आया? चेंबर कैसा है? वैक्यूम चेंबर है। चेंबर कैसा है बेटा? वैक्यूम चेंबर है। अगर आप देखते हो तो बेसिकली हुआ क्या, जब यहां से हमारे पास ऐसा जा रहा था तो इन्होंने क्या देखा, अल्फा पार्टिकल्स जो जा रहे हैं वो स्कैटर्ड हो गए, मतलब देयर इज सम स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। और एक्सपेरिमेंट करते करते बेटा, एक्सपेरिमेंट करते करते दिखा ये, यहां पर एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी और जैसे ही ये वहां पर ऐसा एक टाइनी फ्लैश सा दिखाई दिया, हमको कुछ लगा कि कुछ तो यहां पर ऐसे टकराया। ठीक है ना, सो दिस इज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये क्या था, मतलब कहने का मतलब है एक गोल्ड फॉइल लिया गया, गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करा दी गई। आपने ऑलरेडी क्या था, टेंथ में भी पढ़ा हुआ इसको, देयर इज बम्बार्डमेंट ऑफ गोल्ड फॉइल ऑन अल्फा पार्टिकल्स, इसी को अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है ना बेटा, तो इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यार अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग स्कैटर्ड जो है ना, मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स की जब बम्बार्डमेंट कराई थी तो अल्फा पार्टिकल्स बहुत लार्ज नंबर में स्कैटर्ड हुए। कैसे क्या था, कंक्लूजन के ऊपर भी आएंगे। पहले आप यहां पर एक बार देखो, जब आप यहां से देखते हो ना बेटा, तो इन्होंने एक ग्राफ बनाया कि भाई जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स है वे अलग अलग एंगल पर स्कैटरिंग कर रहे थे, कुछ कम स्कैटरिंग कर रहे थे, कुछ ज्यादा स्कैटरिंग कर रहे थे, कुछ स्कैटर कर भी नहीं रहे थे, कुछ यू ही ऐसे जा रहे थे और वापसी आ रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ यू ही ऐसे सीधा जा रहे थे और वापस आ रहे थे। वो सारी चीजें आज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है ना बेटा, जब इन्होंने ये ग्राफ बनाया तो ग्राफ में ऐसा कुछ डेटा मतलब आया हमारे पास, ये आपका स्कैटरिंग है, ये अलग अलग है। ठीक है, तो ये तो ऐसा मतलब ये हुआ। अगर आप देखोगे तो इन्होंने इस ग्राफ से क्या क्या चीज बताई, इस ग्राफ से इन्होंने एक तो ये चीज बताया कि अल्फा पार्टिकल जो है ना, अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड सफर नो स्कैटरिंग या डिफ्लेक्शंस। समझ आया? मतलब ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जाएंगे गोल्ड फॉइल से होते हुए, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे। और इन्होंने कहा कि भाई अगर कुछ है तो बहुत छोटी डिफ्लेक्शन शो करेंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स लगभग 8000 में से एक को मान लो वो 90 डिग्री के थ्रू डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कैसा? 90 डिग्री। और इन्होंने कहा कि यार ओकेजनली ऐसा समझ लो कि जैसे 20000 में से एक पार्टिकल सीधा जाएगा तो वो 180 डिग्री से अपना रास्ता नापता हुआ आएगा, रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है ना बेटा, ये अभी ग्राफ से इनकी कंक्लूजन चल रहे थे, इनको मतलब ये चीज देख रहे थे एक्सपेरिमेंटली डेटा को कलेक्ट करके कि हो क्या रहा है यहां पर। ठीक है ना बेटा, तो जब ये सारी चीजें इन्होंने देखी तो इसको फिर रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया, इसका रदरफोर्ड ने कंक्लूजन दिया। क्या कंक्लूजन दिया रदरफोर्ड ने, कि भाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल,
अगर सीधा जा रहा है इसका मतलब बीच में कुछ है नहीं भाई, इसका मतलब बीच में खाली है। तो इसने कहा मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन एटम्स मस्ट बी एम्प्टी, यानी कि एटम के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्पेस जो है वो खाली होगा। समझ आया कि नहीं आया? एक तो ये चीज हो गया, एक सेकंड नोट करना बेटा, लगता कोई आया है। और अगर आप दूसरा, सॉरी सॉरी गाइस सॉरी, ठीक है डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, दूसरा आप देखोगे तो ये जो अल्फा स्कैटरिंग का जो मतलब एक्सप्लेन करना था, तो इसके लिए रदरफोर्ड ने एक सजेशन दिया बेटा, इसके लिए रदरफोर्ड ने एक सजेशन दिया कि भाई ऐसा मानते हैं कि ये जो एटम का पूरा मास है और सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन। जय हिंद बेटा, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, और वो भी सेंटर पर, सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। समझ में आया कि नहीं आया? और इसने उस रीजन को न्यूक्लियस का नाम दिया। अब सभी को शायद पता भी होगा, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, कलेक्टिवली दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन। ठीक है, ये सब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और इन्होंने आगे जाके एटम के बारे में बताया कि भाई न्यूक्लियस की चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। द रीजन बिहाइंड दैट इज, इन्होंने समझाया एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इन्होंने क्या बोला कि एटम एज अ होल कैसा है बेटा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। भाई कहानी सेम हो गई ना, अब आप और क्या जानना चाह रहे हो? अगर सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल बनाने के लिए उसी के बराबर नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, विच इज रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस। ये उसने एटम के बारे में बताया कि भाई अगर एटम का पूरा स्पेसिफिकेशन देखना है तो सेंटर पे न्यूक्लियस जिसका पूरा का पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट होगा उस एटम का उस जगह पे, उसको न्यूक्लियस बोला गया। उसकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं जिसका चार्ज सेम है बेटा। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये उसने रिजल्ट दिया। इस रिजल्ट के जस्ट बाद हमारे पास एक चीज आया, विच इज एक कॉन्सेप्ट आया, विच इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कहने का मतलब यह है बेटा कि अल्फा पार्टिकल का कुछ चार्ज है और न्यूक्लियस का भी कुछ चार्ज है। अब वे दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे बेटा, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर फोर्स तो लगेगा भाई, फोर्स तो लगेगा ना, ये तो वाजिब सी बात है। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करता है, इधर अल्फा पॉजिटिव न्यूक्लियस पॉजिटिव, सो दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन कब? आपको पता है एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, किसी की फील्ड में घुसोगे तभी, है ना बेटा? तो यहां पर भी यही हुआ क्या, अल्फा पार्टिकल को ऐसा मान लो जैसे वी वेलोसिटी से ये ऐसे जा रहा है, चलते 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 एक जगह पे ऐसा हुआ कि वो रुक गया बेटा, एक जगह कुछ ऐसा हुआ बेटा कि वो रुक गया, और जैसा ही वो रुका तो उसके ऊपर इसने फोर्स लगाया, धक्का मारा, कहता निकल मेरे यहां से, वापस अंदर आ मत जाइयो। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर वो रुका था और उसके आगे वो नहीं जा पा रहा, वापसी उसको अपने रास्ते से आना पड़ रहा है। दैट मिनिमम डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दैट इज वॉट, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां तक अगर आप लोगों को समझ आया हो तो एक बार थम्स अप कर दो और मुझे बता दो कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना बेटा? सो दिस इज योर डिस्टेंस। ये पूरी थ्योरी जो मैंने आपको समझाई ये मैंने यहां पर शीट के फॉर्म में मतलब लिखवाई है, क्योंकि कुछ बच्चों को ये कंप्लेंट थी बेटा कि सर जब आप बोलते हो तो उसको शीट पर उतारे कैसे, तो उसको उतारने के लिए आपको ये अब एक माध्यम एक मीडियम बन गया, ठीक है ना बेटा? ओके गाइज, so I am moving ahead, let's move ahead बेटा। आगे देखो, अगर आप देख रहे हो बेटा तो ये हुआ क्या, मतलब इसको कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये वैसे तो आप कह सकते हो लेकिन मैं आपको ना पूरा यहां पर लिखवा देता हूं ताकि आपको पता चले। आपने यहां पर देखा बेटा, आपने यहां पर एक चीज देखी कि भाई ये आपका एटम था जिसके अंदर न्यूक्लियस रखा हुआ है,
ये आपका अल्फा पार्टिकल था जो यहां से लेकर यहां तक जा रहा था, आर नॉट दूरी पर ये रुका, वापसी जा रहा था। तो अगर आप देखोगे कंजर्वेशन के हिसाब से बेटा, भाई दो आपस में कुछ दूरी पर रखे है तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगा ही होगा, जो कि बेसिकली क्या कहता है, अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हो, जो हम इंफिनिटी के हिसाब से ले चलते थे, आर नॉट दूरी है, तो ये हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर। भाई आपका जो ये एटम है इसका कुछ एटॉमिक नंबर होगा, कुछ इसका आपका चार्ज होगा, तो दिस इज जेड ई, समझ में आया, तो जेड ई इज द चार्ज ऑफ दिस न्यूक्लियस, और इसका क्या है प्लस टू ई, इसका क्या है प्लस टू ई, समझ में आया कि नहीं आया। तो आप क्या करोगे, आप यहां पर करोगे कि आपका इसका 2e और इसका ze डिवाइडेड बाय r, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। सो नाउ व्हाट विल बी दिस हैपनिंग ओवर हेयर, तो यहां पर अगर आप देखोगे सो 2ke ze स्क्वायर बाय r, ये है क्या, दिस इज आर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज 2ke ze स्क्वायर बाय r, 2ke ze स्क्वायर बाय r पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन यार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को तो हम गलत नहीं ठहरा सकते, तो आप कहोगे सर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर आप देख पा रहे हो तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया कि नहीं आया, इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर बराबर आपका 2k ze square by r not, here r is like r not, ठीक है ना बेटा, समझ आया कि नहीं आया, डन है। इस 2 को ऊपर भेजेंगे, r not को वहां भेजेंगे, तो r not क्या आएगा 4k ze square by m v square, या तो आपका r not ये है एक एक्सप्रेशन, ठीक है ना बेटा, यह टाइम तो फिर भी वेस्ट करेगा ना सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाओ। अच्छा बेटा एक काम करते हैं, तुमको हम इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं, तुमको हम बायो भी पढ़ा देते हैं, है ना, तुमको हम सब पढ़ा देते हैं, फिजिक्स छोड़ देते हैं, ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो सर बेवकूफ। चलो तो ये आर नॉट इज लाइक 4k ze स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर, या तो आप इसको ऐसा ले सकते हो, या तो आप बेटा यहां से ये 2 को नीचे डिवाइड मार दोगे, अगर सो यू कैन से सर R not is 2kze square, ठीक है, 2kze square upon mv square by 2, upon mv square by 2, भाई ये तो काइनेटिक एनर्जी है, तो R not बराबर 2kze square by काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है, This is your distance of closest approach. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको उतारना है इसको उतार सकते हो, क्योंकि एक बार अगर इस पेज से हट गया मैं तो मैं दोबारा इस पेज पे आ नहीं पाऊंगा, इसलिए यू कैन नोट डाउन दिस बेटा, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, समझ आ गया होगा वैसे भी आप लोगों को ये चीज, गॉट इट गाइस, यस, सो नाउ आई एम मूविंग अहेड बेटा, ये देखो ये पूरे इसके बारे में पूरी रामकथा लिखी हुई है, तो आप ये पूरा देख ही सकते हो कैसे R नॉट आपका 4k ze square by me square आया, या 2k ze square by kinetic energy of alpha particle आया, ठीक है ना बेटा, तो एक तो ये concept है, इस concept के बाद जब आप देखते हो तो एक नया concept आता है which is impact parameter। भाई आप अगर उसको सीधा फेंक रहे हो तो अलग कहानी है, पर अगर आप उसको ऐसा मतलब उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर फेंक रहे हो, है ना बेटा, तो आप ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, जिस वेलोसिटी से हम अल्फा पार्टिकल को फेंक रहे हैं, ठीक है ना बेटा, ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये रहा सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द एटम, यानी कि दिस बी इज द इंपैक्ट पैरामीटर, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जब फेंक रहे तो इसने स्कैटरिंग करी, कुछ थीटा एंगल आया, ये कितना आया 2k ze square by ze square cot theta by 2, ये आपका इवन यहां से जैसे ये है ना, तो ये तो हाफ mv square है, बट यू कैन से दैट
दिस इज लाइक 2kze square cot theta by 2 upon mv square. या तो ऐसा आ सकता है या फिर kze square cot theta by 2 upon आपका kinetic energy of alpha particle. So you can write any of this expression for impact parameter. ये सिर्फ और सिर्फ आपका u formula learn करना है, ठीक है ना बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चे? Got it guys? बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? So impact parameter और scattering angle का भी आपके पास एक relation आया, जो आपने बड़ी clearly, बड़े प्यार से कर लिया. Done है? So I think we should move ahead. आगे बढ़ते हैं अगर, तो भाई रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम अब पूरे तरीके से समझो आप. इन्होंने एक एटम का अपना मॉडल दिया, ठीक है, जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बिहाफ पे इन्होंने अपना एक मॉडल दिया. ये जो मॉडल ये अपना तैयार करके आपको दे रहे थे, इन्होंने इसमें क्या बोला? वही सेम कहानी जो आपके थॉमसन ने भी कही थी. नहीं, पर थॉमसन ने तो खैर ऐसा नहीं कहा था कि सेंटर पे ये है. इन्होंने क्या बोला? एटम के अंदर एक बिल्कुल छोटा और मैसिव, मतलब उसका सारा का सारा मास बिल्कुल बीच में कॉन्सेंट्रेट होगा, सेंट्रल कोर. अगर उसका पूरा का पूरा पॉजिटिव मास और पॉजिटिव चार्ज और मास वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और उस कोर को बेटा उसने न्यूक्लियस का नाम दिया. उस सेंट्रल कोर को उसने किसका नाम दिया? न्यूक्लियस का नाम दिया. समझ आया कि नहीं आया? और फिर इसने कहा कि वो न्यूक्लियस तो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे पूरी एक बाउंड्री है क्रिकेट की, और उसके बीच में आपने एक छोटा सा बॉल रख दिया. एक क्रिकेट की बाउंड्री है और उसके बीच में एक छोटा सा बॉल रख दिया आपने, राइट बच्चा जी? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10^-15 meter, विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम. लगभग उसका जो रेडियस होता है वो 1,00,000 गुना कम होता है. अब यार इतना छोटा होता है न्यूक्लियस और एटम के कंपैरिजन में, एटम ही इतना छोटा होता है तो न्यूक्लियस तो उससे और ही ज्यादा छोटा होता है, यानी कि नेकेड आई से विजिबल नहीं होता. आपको समझ में आया कि नहीं आया? और अगर आप देखते हो उसकी चार्जेस की न्यूट्रलिटी के लिए उसने कहा कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट. पर बेटा ये तो हमारा नियम है, ये तो हमारा ह्यूमन नेचर है, और अगर उसने कुछ दिया तो कहीं ना कहीं वो गलत भी तो होगा, जरूरी तो नहीं है कि वो सही ही होगा. तो उसने जब ये सारी बातें बताई बेटा आपको, तो वहां पर पहले तो इसका एक और पॉइंट जान लो आप. उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ ऑर्बिट्स में घूमता है, मैंने बताई दिया, जैसे कि आप देख रहे हो बाकी सारे के सारे प्लैनेट सन की तरफ, सन की चारों तरफ. समझ में आया कि नहीं आया? अब एक्चुअली क्या हुआ ना बेटा, एक्चुअली क्या हुआ, वो बेसिकली एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो क्यों घूम रहा है. क्यों? द रीजन वॉज कि यार अगर कोई भी अब सर्कुलर मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन, और अगर कोई भी एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को तो रेडिएट करेगा. अगर रेडिएशन रेडिएट करेगा तो कुछ समय बाद वो ऐसे घूमते 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 न्यूक्लियस में मिल जाना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन, पर ऐसा होता नहीं है. और जब रदरफोर्ड से ऐसा सवाल पूछा गया कि भाई देखो ये रहा आपके सामने, अगर रदरफोर्ड से ऐसा सवाल पूछा गया कि एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कॉन्टिन्यूसली मतलब वहां पर ऐसे एमिट करेगा तो उसका एनर्जी लॉस होगा धीरे धीरे, तो वो जिस ऑर्बिट में घूमेगा ऐसे करते 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 वो न्यूक्लियस में मिल जाना चाहिए, यानी कि स्पाइरल मूवमेंट है ना बेटा, यानी कि स्पाइरल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द न्यूक्लियस, ये रहा स्पाइरल पाथ ऑफ एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन. समझ में आया? लेकिन असल में तो ऐसा होता नहीं है, तो भाई रदरफोर्ड इस बात को फेल कर गए, ठीक है ना. और आपको एक फैक्ट ये बताता हूं कि भाई थॉमसन, रदरफोर्ड और जो आगे इसके बाद आएंगे बोर, ये आपस में पीढ़ी चल रही है किसकी?
स्टूडेंट्स और टीचर की। समझ में आया कि नहीं आया? ये सभी आपस में एक दूसरे के, मतलब सभी एक दूसरे के तो नहीं, एक दूसरे का टीचर, टीचर ने कुछ दिया, स्टूडेंट ने उसको रॉन्ग प्रूफ करा, लिमिटेशन दिया उसका, खुद कुछ दिया, फिर उसके स्टूडेंट ने कुछ और दिया और उसको रॉन्ग प्रूफ किया और खुद कुछ दिया और उसका भी कुछ आगे लिमिटेशन। ठीक है ना बेटा? अब आगे देखो, सुनना मेरी बात को। तो जब ये सारी कहानी हुई तो रदरफोर्ड भाई साहब ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। समझ में आया कि नहीं आया? बेटा ऐसा होता है ना कि एक बच्चा पूछ रहा है कि भाई सर ये ऐसा कैसे हो गया कि अगर ये गलत ही हो गया तो हम पढ़ क्यों रहे हैं। बेटा ऐसा होता, देखो मेरी बात सुनो, अगर आज मैं अभी आपको यहां पर कुछ पढ़ा रहा होऊंगा तो क्या पढ़ा रहा हूं? उनकी थियरी पढ़ा रहा हूं जो उन्होंने मुझे दी है, राइट? मैंने खुद तो कुछ डिस्कवर नहीं किया, मैं भी तो किताबों में से ही पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना? अब सपोज करो उनकी किताबें होती है गलत और एक मुझसे बहुत ज्यादा जीनियस बंदा आता है, साइंटिस्ट आता है, फिजिसिस्ट आता है और वो इसको पढ़ता है, दिमाग चलाता है, पूरा दिन सोचता है, सोचते सोचते दो चार साल छह साल बाद कहता है अरे इसकी थ्योरी में तो यहां फर्क है, यहां तो मैच ही नहीं कर रहा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो थ्योरी सामने रखता है कि भाई ये वाला पार्ट को मैच नहीं कर रहा ये थ्योरी। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब ये सारी कहानी होती है, इन सारी कहानी के बाद वो कहते हैं अरे वो भी बढ़िया बंदे थे, उन्होंने भी कुछ दिया था, तो वो कहते हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस थी जिसको ओवरकम किया इस बंदे ने। इस बंदे ने बताया कि वहां पर ये अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। सामने से जब तक क्वेश्चन नहीं होता है, टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बच्चे ने क्वेश्चन किया और टीचर के पास उसका आंसर नहीं है तो पहले तो टीचर ढूंढेगा, अगर वो नहीं बता पाया तो वो बच्चा ढूंढने की कोशिश करेगा, शायद वो बच्चा आंसर दे दे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा चलता रहता है, ऐसा एक मतलब जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है, ठीक है ना बेटा? चलो तो आप सुनना मेरी बात को। यहां पर इन्होंने कहा कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन है स्पाइरल मोशन है, इसका मतलब अंदर ये ऐसा मिलता जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर इन्होंने कहा तो ये अगर एनर्जी इसका लॉस कर रहा है तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूसली फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर फ्रीक्वेंसी जो है लाइट, एमिटेड लाइट का चेंज हो रहा है तो वो कैसा स्पेक्ट्रम, आगे जाके मैं आपको लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा। इन्होंने कहा कि जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड है वो नहीं होना चाहिए था। भाई अगर फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था? इसका मतलब तो भाई वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एमिट करना चाहिए था, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो रदरफोर्ड भाई साहब इस बात को भी फेल हो गए, ठीक है ना? और हमारे रदरफोर्ड सर के जस्ट बाद इस बात को चेक करने के लिए कौन आए हमारे सामने? हमारे सामने आए बेटा बोर। कौन आए? बोर। लेकिन बोर से पहले हमारे सामने आए कुछ सवाल, ठीक है? पहले बोर आए लेकिन बोर से पहले हमारे सामने आए कुछ सवाल, ठीक है ना बेटा? एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए बेटा ऐसा होता है, हम जब लेक्चर ले रहे होते हैं, समय के थोड़े से अभाव की वजह से हम अपने टीम को या जो मतलब हमारे अंडर फिजिक्स के और टीचर है, मैं उनको कॉल कर देता हूं कि सर एक एटम्स की पीपीडी बनवा दो, जिससे कि क्या होता है ना कि बच्चों को फायदा मिल जाएगा, बच्चों को कुछ कुछ करने का मौका मिल जाएगा और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, है ना बेटा? तो वो बना देते हैं, इसलिए हम तो सोच रहे थे थ्योरी होगी पूरी, लेकिन उन्होंने बीच में कुछ क्वेश्चंस भी डाल दिए, तो चलो वो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। शायद उन्होंने डाले हैं तो कुछ जरूरी ही होंगे, कुछ तो इससे रिलेटेड ही होंगे, है ना बेटा? और आप मुझे जब लेक्चर खत्म होना तो ये फीडबैक भी जरूर देना कि जैसा मैं नॉर्मली हाथ से पढ़ा रहा होता हूं, कि मतलब जैसे मैंने डेरिवेशन करवा दिया पूरा आप लोगों को, डेरिवेशन कराने के बाद मैंने पूरा आप लोगों को सब कुछ समझा दिया तरीके से, वैसा सिर्फ हाथ हाथ से ओके है या समझा रहा हूं थ्योरेटिकल पार्ट का, ऐसा मैंने पीडीएफ रखा हुआ है पीछे फ्रंट में समझा रहा हूं और आपका वो पीडीएफ से आप देख लोगे, है ना बेटा? तो वो भी आप लोगों को मुझे बताना फिर कि दोनों में से बेनिफिशियल क्या है, अभी नहीं, ठीक है ना राहुल बेटा? अभी समझा ना, धीरे धीरे चीजें आएगी ना, ठीक है? धीरे धीरे चीजें आएगी। अगर वो कोलैप्स कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको कोई सही भी करेगा, ऐसा तो है नहीं कि उसने बोल दिया फेलियर है, कोई तो सही करेगा, है ना बेटा?
प्री बोर्ड में पास कैसे होना है सर जी? ओ माय गॉड, ये कैसा सवाल पूछ लिया तुमने सर? इन महान आदमियों को फेल होता देख गर्व होता है खुद पे। बेटा इन महान आदमियों को ही पढ़ रहे हो आज तुम, ठीक है? इन्होंने ये जो एक एक लाइन आप पढ़ रहे हो ना, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटम, 50-50, 30-30, 20-20 साल लग जाते हैं। ये हमारी तरह नहीं है कि आप इस सामने आ रहे हैं, दिन में 2 घंटे शीशे के सामने कंघी से बाल सही कर रहे हैं, ठीक है ना, बाहर निकल रहे स्टड बन के। ये कोट थोड़ा जम नहीं रहा, चलो हटाओ इसको, दूसरा पहन लेते हैं। 2 घंटे की कोचिंग होती है तो पहला 2 घंटा तैयार होते हैं, ठीक है, फिर कोचिंग से जाके कभी इधर उधर बर्गर खा लिया, कभी मैकडी खा लिए, कभी घूम लिए, 2 घंटे वहां खराब कर दिए। और पता क्या होता है, साल की शुरुआत में ना कुछ बच्चों में थोड़ी सी सीरियसनेस होती है, ठीक है, तो वो शुरुआत में तो कुछ पढ़ भी लेते हैं, लेकिन शुरुआत के बाद क्या उनको पता नहीं कुछ ऐसा भूत सा चढ़ जाता है, जैसे पेपर के नजदीक आते जाते हैं तो उसी से टाइम और वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उनका मतलब टाइम वेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नजदीकनेस ऑफ एग्जाम, समझ में आया ना, ठीक है ना, ये ऐसा होता है। एक तो ये सीन है, दूसरा अब क्या होता है ना बच्चे के दिमाग में, 90 दिन बचे, 80 दिन बचे, चलो आज भाई ये गेम खेल लेनी चाहिए, यानी कि जितना पास होते जाएंगे उतना ज्यादा टाइम वेस्ट करते जाएंगे। मतलब कमी ऐसे बच्चे दिखते हैं जो टाइम वेस्ट नहीं करते। पर बेटा देखो, मेरी आप लोगों से पर्सनली एक ही सलाह है कि इस समय पे जो यहां पर आप ये जो हंसी वाले जो हा 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 कर रहे हो ना, ये जो इमोजी भेज रहे हो, इससे कुछ होगा नहीं। आप लोगों को यहां पर जैसे कोई बंदा कंपनी चलाता है ना, तो वो कॉस्ट कटिंग करता है। क्या करता है? कॉस्ट कटिंग, कि भाई यहां भी पैसे बच जाए, यहां भी पैसे बच जाए, यहां भी पैसे बच जाए, ताकि वो अच्छी जगह यूटिलाइज हो। तो सिमिलरली आपको यहां पर टाइम का सेविंग करना है, यानी कि अगर आपको बेटा अगर आपको समय मिल रहा है आधे घंटे का, तो उसको इंस्टाग्राम या पर शोना बाबू के पढ़ने के बजाय आपको उस टाइम को अपनी पढ़ाई में, नहीं तो रिलैक्सेशन में उसको यूटिलाइज करो, ताकि आप और अच्छे से पढ़ सको। यहां क्या होता है ना, 4 घंटे की पढ़ाई का बहाने लेके मोबाइल लेते हैं, पढ़ते 40 मिनट है, 3 घंटा 20 मिनट उसमें वैसे ही वेस्ट कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अभी यहां पर मुझसे पढ़ रहे ना, सर जी कैसे कंप्लीट करूं फिजिक्स, अच्छा आज मुझसे पूछ रहे हैं। अब याद जाने के बाद एक और लेक्चर चल रहा होगा ना फिजिक्स का, सर हाउ टू कंप्लीट फिजिक्स, मैंने शुरुआत से कुछ नहीं पढ़ा। अब यही सेम बात मैं देखता हूं कि यही इस बात को 1.5 महीना बीत जाता है, 1.5 महीना बाद फिर वही बच्चा आता है सामने से, सर फिजिक्स कैसे कंप्लीट करें, सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा सर। अरे तुमने 1.5 घंटा तो पूछने में निकाल दिया कि सर क्या करे, कैसे करे, कैसे स्टार्ट करे, कैसे पढ़े, 1.5 महीना सॉरी, अब तुमने 1.5 महीना पूछने में निकाल दिया, ठीक है, तो यार फिर ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, ठीक है, अब स्टेप लेना पड़ेगा, स्टेप उठाना पड़ेगा। यार अगर आप स्टेप नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। हमें अगर कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहली बात होती है स्टेप, ठीक है, ये नहीं कि हम हर किसी के क्लास में जा रहे हैं या 2 घंटा सिर्फ इसके लिए वेट कर रहे हैं। सपोज करो एक बच्चा आया, सर कैसे पढ़े पूरे इतने कम समय में फिजिक्स, और मैंने उसको बोला बेटा रुक जा, तो यहां बैठ, 2 घंटे बाद जब मेरा लेक्चर होगा तब बताऊंगा। अब 2 घंटे तक मैंने अपना वॉचिंग बढ़ा दिया, वॉच मिनट बढ़ा दिया, एक बच्चा बढ़ा दिया, 2 घंटे तक वो यही सोच रहा है सर अब बताएंगे, अब बताएंगे, अब बताएंगे, 2 घंटा बेचारे का वेस्ट। समझ में आया ना ये चीज? तो इसलिए यहां पर जो है ना, यहां पर जो है आप लोग पढ़ाई करो तरीके से, और फिलहाल आगे बढ़ते है ना। इधर देखो, जब आपने ये चीज देखा लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, तो हमारे पास कुछ सवाल आए, कुछ सवालात के जवाब करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखते हो ना, अब कुछ बच्चे मुझे यहां कह रहे सर कंटिन्यू करो प्लीज, सर टाइम वेस्ट मत करो सर, ठीक है, इसीलिए वैल्यू होनी चाहिए टाइम की आप लोगों को, बेवकूफ हो। इधर देखो, तो जब ये देख रहे हो गीगर मार्सडेन, ये वही 2 बंदे थे, ये वही 2 लौंडे थे जिन्होंने ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था पर कंक्लूड नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पूछा आपसे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच
टू द न्यूक्लियस ऑफ इतना एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटरली टू रेस्ट एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। भाई आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, ठीक है ना, और ये क्या बोल रहा है, उसके बाद इसने कहा भाई अल्फा पार्टिकल है, ठीक है ना, और न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और क्या है, न्यूक्लियस है। समझ में आया कि नहीं आया? और जब आप ये देखते हो ना, तो इन्होंने सीधा सीधा आपको बस फॉर्मूला पुट करवाना है, ठीक है। अब भाई ये तो हट गया भाई, तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहां आपने बस सीधा सीधा ये फॉर्मूला पुट करना है। कौन सा वाला? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला। ये रहा भाई के ई स्क्वायर एम वी स्क्वायर, सब कुछ, सॉरी एम वी स्क्वायर नहीं, यहां पर काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला पुट करो। इसको आप पुट करेंगे, यू आर हैविंग एवरीथिंग, आपका आर नॉट आ जाएगा। इतना इजी सवाल मैं करवाने वाला भी नहीं हूं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि इतना इजी सवाल मैं करवाने वाला हूं, तो आई एम रियली सॉरी। उसके जस्ट बाद इन्होंने एक और सवाल दिया है कि इन अ गीगर मास एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट द डिस्टेंस, सेम चीज पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहां पर उसने जेड को स्पेसिफाई करके दे दिया, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी दे दी आपको, और इसने आपसे पूछा क्या, आर नॉट। फिर वही आपका 2kze² बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपको कुछ रहना चाहिए, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है ना बेटा, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, देखते हैं आगे सवाल है या टॉपिक है, लेट्स सी क्वेश्चन। अच्छा ये क्या पूछा, व्हाट इज द इंपैक्ट पैरामीटर एट विच द स्कैटरिंग एंगल इज 10 डिग्री। ओके, थीटा इज 10 डिग्री, जेड इज 79 एंड इनिशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ये। अब इसमें भी आपको कुछ करना थोड़ी है, फिर वही वाली बात, बी बराबर आपका के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई टू अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर, या यू बोलो इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। भाई आपको थीटा दे रखा है, आपको जेड दे रखा है, आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, बाकी सारी वैल्यू आपके पास है, बी आपको निकालना है, ठीक है ना बेटा। तो ये भी हो गया, इसमें भी कुछ है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिए इन्होंने, जो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, अगर हम सेकंड क्लास में होते तो भी कर लेते। और अगर आप इसमें अटक रहे हो, हाँ ये बात जरूर है, कुछ बच्चे कहेंगे सर कॉट 10/2 यानी कि कॉट 5 डिग्री की क्या होती है वैल्यू, कोई बात नहीं, डोंट वरी, पेपर में यहां साफ साफ लिखा होगा कॉट 5 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस मच। समझ आया ना, ये पेपर में लिखा होगा, इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है, गॉट इट गाइस। चलिए आगे देखते हैं, अगर आप देखते हैं तो यहां पर बोहर भाई साहब आए, जिन्होंने रदरफोर्ड को सही करने की कोशिश करी। अब बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, कोई अच्छा काम करता है ना, तो वहां कुछ तो हो भी सकता है, ठीक है ना, वहां कुछ कुछ बुराई भी हो सकती है, कुछ मतलब वहां पर गलती भी हो सकती है, गलती होना वाजिब है, गलती नहीं होगी तो मजा भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चले गलती को देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला सर जो रदरफोर्ड भाई साहब ने बोला कि अगर आप देखते हो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अक्रॉस, उस ऑर्बिट का कुछ तो रेडियस होगा, उस ऑर्बिट का कुछ तो रेडियस होगा, तो इन्होंने आपको डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस यूज किया। भाई डी ब्रोगली ने आपको कल के लेक्चर में क्या समझाया था, कल के लेक्चर में हमने डी ब्रोगली से बात करी थी फोन मिला के, और डी ब्रोगली भाई साहब ने हमको कुछ कुछ बात समझाई थी, क्या समझाई थी, उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद वेव कैरेक्टर, दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद वेव कैरेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन्होंने एक चीज कही कि आप सर्कुलर ऑर्बिट को स्टेशनरी एनर्जी स्टेट तभी ले सकते हो, मतलब देखो उन्होंने क्या कहा कि सर एनर्जी ये यहां से रिलीज करेगा कॉन्टिन्यूसली, रेडिएशन एमिट करेगा, आखिरकार न्यूक्लियर में मिल जाएगा, आखिरकार न्यूक्लियर में मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो तब जाके हमें कंसिडर करना पड़ा, तब जाके हमें कंसिडर करना पड़ा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है ना वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर उस ऑर्बिट को ही ऐसा मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में घूमेगा वहां से वो रेडिएशन एमिट नहीं करेगा,
और उस ऑर्बिट को नाम दिया गया। ये देखो ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट हुआ है इन सब पे और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आज उसमें, और उसको इन्होंने क्या नाम दिया, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। क्या नाम दिया, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। उन्होंने कहा वो तभी एग्जिस्ट कर सकता है अगर उसका वेवलेंथ जो है, अगर उसका वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल उसके सर्कमफ्रेंस जो, मतलब उस ऑर्बिट का जो सर्कमफ्रेंस है, दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। गॉट इट गाइस? आया समझ में? ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आप यहां से देखते हो ना, तो आप सुनो मेरी बात को यहां से गौर से। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा अगर एन वन है तो भाई एक वेवलेंथ, एन टू है तो दो वेवलेंथ, एन थ्री है तो तीन वेवलेंथ। यहां से इन्होंने देखा एक, ऐसे करके इन्होंने दूसरे ऑर्बिट में दो, ऐसे करके ये देखा, ऐसे करके तीन। समझ में आया कि नहीं आया? तो उन्होंने कहा यार वही ऑर्बिट, अच्छा ये तो जब इन्होंने डी ब्रोगली ने बताया तो बोर ने आगे जाके और दिमाग चलाया। इन्होंने क्या कहा कि भाई जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका कुछ ना कुछ तो एंगुलर मोमेंटम होगा। भाई उसका कुछ ना कुछ तो एंगुलर मोमेंटम होगा, ये तो साफ सीधी सी बात है ना। जी सर बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सर, इन्होंने कहा कि सर हमारे पास अगर देखते हैं तो उस ऑर्बिट का अगर एंगुलर मोमेंटम होगा तो दैट एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू, दैट एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। पहले तो ये देखो यहां पर जो आपने मैंने पढ़ाया उसकी इंग्लिश आप यहां से देख सकते हो, ठीक है ना बेटा, उसकी इंग्लिश आप यहां से देख सकते हो। डी ब्रोगली ने आपको कहा था कि लैम्डा बराबर एच बाई एम वी, पीछे से आप पढ़ रहे हो टू बाई टू पाई आर बराबर एन लैम्डा, टू पाई आर बराबर एन लैम्डा। बस आपने कुछ नहीं करना, एन के बाद लैम्डा में ये देखो एच बाई टू एम, एच बाई एम वी। समझ में आया कि नहीं आया? जब उसने देखा कि भाई उसका जो सर्कमफ्रेंस है उस ऑर्बिट का, दैट इज एनएच बाई एम वी, तब जाके उसने आपका बोर ने दिमाग चलाया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमेगा तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। और इसने एक आपको अजम्पशन दे दिया वहां पर जो कि गलत नहीं कर सकते आप जिसको, तो उसने क्या किया, उसने कहा सर अगर उस अजम्पशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दैट सर्कुलर ऑर्बिट ओनली, चक्र घुमा रहा हो ताकि आपको थोड़ा सा ठीक लगे, मजा आए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। क्या मतलब, ये रहा, जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जिसको हम ऑलरेडी 11th क्लासेस से जानते एम वी आर के बराबर, क्योंकि आपने पढ़ा था एल बराबर आर क्रॉस पी, ठीक है ना, जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई या फिर एनएच बाई टू पाई। समझ में आया कि नहीं आया? अब एन की वैल्यू 1, 2, 3 डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिसको हम आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? गॉट इट गाइस? ओके, ये आपका फेमस बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन है एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो यहां से आपने एक चीज देखी कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस ऑर्बिट को अपन लोग स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, राइट? और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h बाई टू पाई का इंटीग्रल या इंटीग्रल मल्टीपल हो। समझ आया कि नहीं आया? ये मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना बेटा, समझ आ गया होगा। Got it. अब आप शुरुआत करिए बेटा इसके पॉस्टुलेट्स के बारे में जो इसने दिया था। पहला कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट जो हमारे रदरफोर्ड भाई साहब ने दिया। समझ में आया कि नहीं आया? सुभाष मित्र बेटा, ऐसा है ना, यहां पर आप बच्चों को डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें। आपको अगर समझना है तो आपके पास एक रेड कलर की लाइन होगी, आपको बस क्या करना है ना, वो रेड कलर की लाइन को थोड़ा पीछे करना है, 0-0 पे कर दो। शुरुआत से आप मेरे लेक्चर को देखोगे, वहां से शुरुआत से देखो और आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। कृपया करके यहां आप स्पैम ना करें, नहीं तो ऐसा होता ना, मैं बड़ा ताकतवर आदमी हूं,
मेरे को बस सिर्फ एक क्लिक करना है और आप अभी के अभी हमारी क्लास से निष्कासित हो जाएंगे एंड यू वोंट बी एबल टू एंटर इन आवर क्लास। कृपया करके इसको ऑफेंसिव वे में ना ले, ये सिर्फ छोटी सी चेतावनी है, ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ, बड़ी प्यार और हंसी से आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके क्लास का डेकोरम मेंटेन करें और अच्छे से पढ़ाई करें जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा? चलो, अरे भाई बोर है यार, कहां पर लिखा हुआ है बॉयज थ्योरम? भाई बोर लिखा होगा जहां पर, अगर एक बच्चा कह रहा है बॉय लिखा होगा, भाई बॉय थ्योरम नहीं होता, बोर थ्योरम होता है। ऐसे छोटी छोटी सी बातें पूछते हो ना तो हमें बड़ा गुस्सा दिला देते हो तुम। भाई तुम 12वीं क्लास के बच्चे हो यार, टाइपिंग एरर हो सकता है, इग्नोर दैट टाइपिंग एरर, ठीक है? चलो अब देखो बेटा क्या है ना, सुनो, तो पहला जो उसने आपको दिया दैट इज न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। क्या दिया? न्यूक्लियर। इन्होंने भी वही कहा कि एटम के अंदर एक छोटा सा स्मॉल और सेंट्रल मैसिव कोर है, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है ना? और अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए, उसको सर्कल को मैं घुमाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जो कितना होता है बेटा, mv2/r। तो ये रहा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रोटेशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। ये पहला था न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना बेटा, ठीक है? और दूसरे की अगर आप बात करेंगे तो क्वांटम कंडीशन। कौन सा कंडीशन बेटा? क्वांटम कंडीशन। भाई इन्होंने वही बोला कि भाई सर्कुलर ऑर्बिट्स में से, इन सभी सर्कुलर ऑर्बिट्स में से वही ऑर्बिट आपका पॉसिबल हो सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल हो। ये रहा भाई जो मैं आपको बोल रहा हूं, वो यहां पर इन्होंने थ्योरी में भी डाल दिया, सो यू कैन चेक दिस ऑल्सो। समझ में आया कि नहीं आया? जहां पर n आपका क्या है, n पॉजिटिव इंटीजर एंड n इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आया? और इस इक्वेशन को अपन लोग बोर्स फेमस क्वांटम कंडीशन भी कहते हैं। गॉट इट गाइस? आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे में उसने कहा स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इन्होंने कहा कि भाई रदरफोर्ड की ये बात को दूर करने के लिए कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, तो इन्होंने उसको नाम दे दिया बेटा स्टेशनरी ऑर्बिट का, कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, इन नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स को ही स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। दूसरा, इन्होंने फ्रीक्वेंसी का कंडीशन दिया। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि भाई एनर्जी बराबर टू एच न्यू। अगर आप देखोगे बेटा तो इलेक्ट्रॉन अगर क्या करेगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप मारेगा तो देयर विल बी सम चेंज इन एनर्जी, और वो जो एनर्जी चेंज है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स या एच न्यू। तो यहां पे देखो, एन एटम कैन एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी फोटॉन्स ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट और फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट रेस्पेक्टिवली। अगर E1 E2 उनकी एनर्जीज है तो E2 में से E1 की एनर्जी माइनस करो, वो बराबर होगा एच न्यू के। वो किसके बराबर होगा बेटा? एच न्यू के। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। एंड दिस इज बोर्स फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन। भाई ये फ्रीक्वेंसी कंडीशन है और एल बराबर एमवीआर बराबर nh/2π ये आपका फेमस क्वांटम कंडीशन है, ये आपका बोर का फेमस क्वांटम कंडीशन है। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बोर की हाइड्रोजन की थ्योरी की तरफ। बोर ने एक हाइड्रोजन की थ्योरी भी दी थी हम लोगों को, ठीक है ना बेटा, तो हम उस थ्योरी को भी पढ़ सकते होते हैं। क्या है वो थ्योरी? इन्होंने कहा बेटा कि अगर हाइड्रोजन एटम है तो उसके अंदर भी एक न्यूक्लियस होगा। समझ में आया कि नहीं आया?
और उस न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा प्लस ZE, उस न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा प्लस ZE बेटा, समझ में आया, उसके अक्रॉस भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा भाई, एक्सेलरेटेड बोला है आपने इसको, मोशन को आपने एक्सेलरेटेड मोशन बोला है, तो कहीं ना कहीं देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। तो आपने बोला वो फोर्स कितना होगा, यार ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है बेटा, वो फोर्स के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्यू, ये तो हमें कूलम ने बताया था कि एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर होता है, लेकिन मुझसे आप जानने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि पीछे आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करती है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाएगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, यानी कि एम वी स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहां से आर कट हो गया, आर को भेजेंगे वहां पर, सो आर इज के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर, गॉट इट गाइस, आर इज वॉट के जेड ई स्क्वायर बाय आर ई स्क्वायर, याद होगा जब आप किसको लेके जा रहे थे, जब आप अल्फा पार्टिकल को भेज रहे थे तब आपका फॉर्मूला चेंज था बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, तब आपका फॉर्मूला चेंज था, गॉट इट, समझ रहे हो? यस सर। चलो आगे देखो, उसने क्या बोला, बोहर के क्वांटाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम यानी कि एम वी आर किसके बराबर है, एन एच बाय टू पाई के बराबर है, ठीक है ना, एन एच बाय टू पाई के बराबर है, अगर यहां से आर निकाला जाए तो वो होगा एन एच बाय टू पाई एम वी, वो क्या होगा एन एच बाय टू पाई एम वी, भाई ये भी आर और पिछला वाला भी आर, ये रहा पिछला वाला भी आर, इसको फर्स्ट मानते हैं इसको सेकंड मानते हैं, ठीक है ना, ये क्या है के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर, ये क्या है आपका एन एच बाय टू पाई एम वी, बराबर डाल दो दोनों को, दोनों को क्या कर दो इक्वेट मार दो, सो के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर बराबर एन एच बाय टू पाई एम वी, भाई एम से एम काट दो, वी से वी काट दो, वी को वहां भेज दो, इनको यहां भेजो, एन एच को डिवाइड मारो, तो वी आ गया टू पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच, दिस इज वॉट बेटा, दिस इज सर क्लास का खत्म होने का समय से अवगत करा देंगे क्या बेटा, क्लास जब टॉपिक खत्म होगा तभी तो खत्म करेंगे, अब तुम चाहते हो कि खत्म कर दो तो हम कर देते, कोई बात नहीं भाई, सब तुम्हारे ऊपर है, हमारी जनता जो बोलेगी हम तो वही करेंगे, ठीक है, अब तुम ही बता दो कि अगर तुमको पढ़ाना है और तो पढ़वा देंगे, तुमको खत्म करवाना है तो खत्म करवा देंगे, ठीक है, पढ़ लो बेवकूफ हो, चलो ठीक है, तो आपने यहां से देखा कि भाई रेडियस जो है वो क्या है एनएच बाय टू पाई एम वी है, रेडियस क्या है एनएच बाय टू पाई एम वी है, अगर आप देख रहे हो तो भाई मैंने क्या किया, वी भी ले लिया आर भी ले लिया, इस वी की जगह इसको पुट कर दो, उस वी की जगह इसको पुट कर दो, क्या होगा यहां से देखो, आर बराबर टू एनएच बाय टू पाई एम वी था भाई, ये वी तो आपका यहां से इसलिए कट गया क्योंकि इस वी के बजाय ये आ गया, यहां से अपने को समझ में आता है कि जो ये पीपीटी भी बनवाई गई है ये भी किसी कॉमर्स के बंदे से बनवाई गई है या फिर साइंस वाले बंदे ने अगर बनाई है तो उसने क्या किया है, उसने इस फॉर्मूले को पुट कॉपी किया, उसको ऐसा लगा होगा कि भाई ये भी फॉर्मूला सेम है तो सेम का सेम पेस्ट कर दिया यहां पर, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना यार, तुम तो पता तो है ही कि हम दिमाग पढ़ लेते कि उसने क्या सोचा होगा, तो उसने ऐसा ही सोचा होगा और वो वी को काटना भूल गया होगा, उस बेचारे को ये नहीं पता कि अपने को वी की जगह वैल्यू डालनी थी, समझ में आया कि नहीं आया,
अरे सर ये तो बड़ी बात है, मतलब ये तो देखो समझने वाली बात है, साइकोलॉजिकल मिस्टेक है ये तो, ठीक है। तो इसके लिए हम उनको मान माफ कर सकते हैं। चलो आगे देखो, तो क्या किया, वी की जगह अपन लोग ने ये पुट किया 2πkzd2/nh, डिनोमिनेटर में था तो न्यूमिरेटर में एनएच चला गया, तो भाई एनएच बाई 2πkzd2। और यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4π² एम के जेड ई स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज योर रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अरे एक बार यस नो कुछ तो बोल दो यार, ठीक है ओके चलो। तो इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात बोली कि ये जो आप ऑर्बिट को देख रहे हो ना क्लियरली, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, या यू कहो आर बराबर आर नॉट एन स्क्वायर भी बोल सकते हो, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो भाई। आर नॉट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, हम आगे जाके न्यूक्लियाई में ये चीज पढ़ेंगे बेटा, पर यहां तो हमने आपको नॉर्मली वैसे ही पढ़ा दी है ना बेटा, ठीक है ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, देखने में बड़ा, अरे इतना प्यारा फॉर्मूला है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म है इसमें, फिर भी तुम कह रहे हो यार ऐसा थोड़ी होता। चलो खैर आगे देखो बेटा, ये जो रेडियाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर के है, यानी कि इनका जो रेशियो भी आएगा भाई, बाकी सब तो कट जाएगा ना, तो इसका मतलब 1:4:9:16 ऐसा करते करते बढ़ेगा। और एन के बारे में तो आपको पता ही है, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अगर आप देखते हो तो ये जो आर नॉट ले रहे हो ना बेटा, आप आर नॉट ले रहे हो ना बेटा आप, ये देखो ये जो आर नॉट ले रहे हो, ये है आपका रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, जहां आप जेड को कर देंगे 1, ठीक है ना बेटा, और एन को भी कर देंगे 1। तो भाई अगर एन भी 1 हो गया और जेड भी 1 हो गया, तो ये R बन गया R नॉट, और ये बन गया एच स्क्वायर बाय 4π² एम की ई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। भाई H की जगह वैल्यू पुट किया, 4π² की जगह वैल्यू पुट किया, ये अपन लोग ने वैल्यू पुट किया, अपने को मिला 5.29×10^-11 मीटर, जिसको हम कहते हैं 0.53 एंगस्ट्रम। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना बेटा। हाँ भाई सेंड कर दे, देखो भाई पहली बात देखो मेरी सिंपल सी बात समझ लो, यहां के बाद मेरी क्लास है 11वीं के साथ 9:30 से या 9:40 समझ लो 11:15 तक, सॉरी 11 बजे तक, फिर 11:15 से तुम्हारे साथ क्लास है 12:30 तक, तो तब तक तो आप नोट्स की कामना ना करें। फिर हम खाएंगे खाना, खाना खा के हम सो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सुबह 8 बजे क्लास है आप लोगों के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली, ठीक है ना भाई, सुबह 8 बजे आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली क्लास है, वो भी लेनी जरूरी है, तो भाई उसके बाद हम आपको नोट्स भेज पाएंगे, ठीक है, उस समय तक आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। आपने आर नॉट देखा, ये आया 5.29×10^-11 मीटर, थोड़ा और छोटा करो तो 0.53 एंगस्ट्रम आ जाएगा। ये है इनर मोस्ट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोहर्स रेडियस, क्या बोलते हैं, बोहर्स रेडियस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, गॉट इट गाइस, गॉट इट, यस सर। चलो आगे देखते हैं, अगर आप आगे देखोगे तो अब स्पीड से थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आपने रेडियस तो बोल दिया लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन बेटा उस ऑर्बिट में घूम रहा है, उस ऑर्बिट में घूम रहा है बेटा, भाई आप एक बात बताओ ना, इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका कुछ स्क्वायर, उसका कुछ स्पीड होगा भाई, स्पीड होगा ना उसका, जी सर, तो उसका जो स्पीड है ना बेटा, मतलब 1-2 हफ्ते में नोट मिल ही जाएंगे, ओ भाई साहब क्या मतलब, तुमने मतलब क्या गुगली मारी है तुमने भाई, मजा आ गया, ठीक है ना। चलो तो आप देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है उस ऑर्बिट में, उसका कुछ स्पीड होगा, तो ये रहा भाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप इस इक्वेशन से लेंगे, ये रहा भाई फोर्थ इक्वेशन से, कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2πkzd2/nh है भाई, बिल्कुल है सर, हाइड्रोजन के लिए तो z1 है, तो इसलिए ये आपका 2πke2/nh हो गया, ठीक है ना भाई, क्या हो गया, ऐसा हो गया,
ठीक है, समझे आप? ठीक है ना, चलो। तो अगर आप देखोगे हमने क्या किया, हमने बस इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी, ठीक है ना, हमने इसको सी से मल्टीप्लाई किया और सी से इसको डिवाइड किया। क्या मिला अपने को? अपने को मिला 2 पाई के ई स्क्वायर बाय सी एच इंटू सी बाय एन इंटू सी बाय एन। गॉट इट गाइस? गॉट इट? यस सर। अगर आप इसके बाद देखोगे तो ये जो है ना, ये कॉन्स्टेंट है बेटा, ये भाई वैल्यू पुट करोगे कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी। इसको हमने अल्फा मान लिया, किसको अल्फा माना? इसको जिसको हम फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट बोलते हैं, लिखा होगा कहीं यहां पर, ये रहा फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट विच इज द डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया? और जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी गई वो आई 1/137। क्या आई? 1/137। तो इसका मतलब v क्या आया? v इज लाइक 1/137 सी बाय एन। ठीक है भाई, अपने को तो इनर मोस्ट ऑर्बिट के रेडियस और स्पीड से मतलब था, उसका रेडियस जान गए, स्पीड जान लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर स्पीड जानना है n को 1 रखो, तो भाई n 1 रखा, स्पीड क्या होगा? स्पीड होगा c/137। यानी कि जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है जिसका n 1 है, किसका? हाइड्रोजन का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होगा that will be what? That will be 1/137 of speed of light. यानी कि 137 गुना कम होगा स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, अच्छा बेटा, अच्छा आपकी सुन लेंगे बेटा, अब तो हो गया ना, अब बाद में देखेंगे, ठीक है, हो गया, हमने सुन लिया, अब आप स्पैम ना करें, ठीक है, हमने सुन लिया, क्लास से पहले नोट्स अपडेट कर देंगे। चलो ओके, गॉट इट? यस सर। आगे बढ़ते हैं भाई, ये सारी कहानी जो आपने पढ़ी थी, जो आपको मैंने बताई, ये आप ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना बेटा, समझ में आया? और बाकी सब में अगर देखना हो तो आपको पता ही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका ये आया था ना, सी बाय एन इंटू 1/137 ऐसा करके, तो बाकी सब में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, यानी कि एन बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा, ठीक है ना, एन बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा। सर बस आपको दूसरी क्लासेस भी लेनी होगी सर, आज के लिए इतना बहुत है। बेटा पढ़ ले यार, पढ़ ले, ऐसा मत करो, यहां पर कुछ बच्चे हैं जो हमसे तरसते रहते हैं कि सर पढ़ा दो, पर ये क्लास है, ये बैच है कि मतलब सर बस करो। अभी तो एक घंटा हुआ है यार, 60 मिनट्स की क्लास हुई, कितना टाइम क्या हो रहा है, वट इज द टाइम? अरे रुको, स्टार्टेड स्ट्रीमिंग 67 मिनट्स अगो भाई, अभी तो सवा घंटा भी नहीं हुआ यार, बेवकूफो। चलो आगे देखो, अगर देखोगे तो अब आएगा हमारे पास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आप जो है ना बेटा, ये जो एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन की, इसको हम आपको कल पढ़ा देंगे, मतलब कल के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट बचेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसकी स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में, और उसके बाद अगर शायद बचेगा तो एक लेक्चर बचेगा इसके क्वेश्चंस के ऊपर बेटा, ठीक है ना, और उसके बाद जो है हम आपसे करेंगे मुलाकात। अब आपसे दो समय हमें मुलाकात करनी है, तीन समय, एक तो देखो यही पर बता देते हैं हम, इसको कीप करके रख देते हैं और हम आपको ये यहां पर बता देते हैं, आपको आज शाम को आना है प्लस पर, सॉरी स्पेशल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कितने बजे से कितने बजे तक? 11:15 से 12:30 तक। एक तो पहली बात ये हो गई आपकी, गॉट इट गाइस, एक तो पहली बात ये हो गई, और इसके जस्ट बाद बेटा आपको देखो, ये एएम है, ये आपका पीएम है, ये आपका डेली है, डेली में आता है हमारा मंडे टू फ्राइडे बेटा, समझ आया? यस सर। और इसके बाद अगर आप देखते हो वहां पर, अगर आपसे कोई कोड मांगेगा तो ये कोड जरूर डालना, VK24 लाइव बेटा, समझ में आया? और अगर कोई प्लस वाला बच्चा है तो आप सुबह 8 बजे मिस मत करना, कल सुबह 8 बजे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने वाला हूं चैप्टर 1 और 2 के,
क्योंकि हमारी बेसिकली एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो चुकी है, चैप्टर 1-2 के इनफ क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। सो बच्चा पार्टी, तब तक के लिए बाय ऑल, गुड नाइट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा, एंड यस, जय हिंद।